मैंने अंश को बुराई की ओर खींचा था, लेकिन पिया ने आकर अंश को दोबारा अच्छाई की ओर खींच लिया है, जबकि अब वो एक दैविक भी नहीं है। मुझे लगता है पिया के प्यार की ताकत अंश के ऊपर मेरे असर को खत्म कर रही है। अंश, पिया तुम पिया ये सब क्या है? ये शादी का मंडप किसकी शादी है? अरे हाँ, ऋषि तुम्हारी शादी थी ना? तुम्हारी शादी आज है? लेकिन अब ऋषि की शादी नहीं हो रही है, अब शादी मेरी हो रही है। ऋषि, इसे क्या हुआ? ये इतना गुस्से में क्यों है? माँ कहाँ है? यही तो थी माँ। भाभी, चेताली, वैद्यश्री, भाभी, माँ, माँ, भाभी, माँ, माँ, क्या हुआ आपको? तुम बर्फ की कैसे हो गई? अविनाश, ये भाभी को क्या हुआ? ये भाभी को क्या हुआ? अरे माँ, आप लोग इसे नहीं छू सकते। क्यों? त्रिनेत्र मणि की वजह से छुटकी बर्फ बन गई है। पिया को त्रिशंकु लोक से वापस लाने के लिए छुटकी को त्रिनेत्र मणि अंश के माथे पे लगानी पड़ी और उसी की वजह से छुटकी का ये हाल हुआ है, क्योंकि त्रिनेत्र मणि के तेज का सामना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये आवाज कैसे? कैसी आवाज अंश? जैसे कहीं से पानी टपक रहा हो। पानी? पानी? वह तो पिघल रही है। हेलो पंडित जी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर डायन रहस्य में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई इंसान त्रिशंकु लोक में फंस जाए तो उसे वापस कैसे लाया जाता है। डायन ने भी यही बताया था। कोई भी त्रिशंकु लोक से वापस नहीं आ पाया है। पिया दी वो पहली इंसान है जो वहाँ से लौटी है। लेकिन डायन को कैसे वापस लाया जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक हमें पिया दी को इस बारे में सब बता देना चाहिए। नहीं 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 बेटा, या बेटी को कुछ भी मत बताना। देखो बेटा, ऐसा करते हैं कि पहले हम खुद कोशिश करते हैं, अगर हमारी कोशिश सफल नहीं हुई तो पिया बेटी से पूछ लें। आई थिंक आप सही कह रहे हैं। अब जो भी करना है वो हमें ही करना है। ये क्या हो गया हमारी वैद्यश्री को? अरे ऐसा कैसे ही बर्फ की हो गई? हंस बेटा, बेटा हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर भाभी ऐसी ही पिघलती रही तो? नहीं 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 चेताली, हमें जल्दी से कुछ करना होगा, भाभी को पिघलने से बचाना होगा। लेकिन कैसे अविनाश, कैसे?
क्या हुआ चाचे? कुछ नहीं। मुझे ये तरीका ठीक नहीं लग रहा। और मुझे लगता है हमें अंश की बात मान लेनी चाहिए, वरना छुटकी पिघल जाएगी। माँ, मैं नहीं जानता आपकी ये हालत कैसे और किस वजह से हुई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए हर खतरे से टकरा जाती है, वैसे एक बेटा भी अपनी माँ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लगता है अंश को कुछ भी याद नहीं है जी। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन चेताली पिया के आते ही हमारा पुराना वाला अंश वापस आ गया। जैसे पिया अंश को बुराई के रास्ते से वापस ले आए हो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। जो हो गया उसे भूल जाते हैं अंश। मुझे तो वैसे भी कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज पहन किया था, फिर अचानक तुम बेहोश हो गए और नीली पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, और आज ऋषि ने जैसे रिएक्ट किया, आई एम श्योर मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और चाची तो मुझसे डर ही गई। मैंने जरूर ऐसा कुछ किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जो हुआ उसे याद करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक बात मैटर करती है कि तुम ठीक हो। लेकिन हुआ क्या था पिया, तुम्हें तो पता है ना। देखो पिया, अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज बताओ मुझे। ना तुम मुझसे बदला ले पाओगी ना मेरा बेटा, बल्कि मैं तुमसे तुम्हारा पति छीन लूंगी, तुमसे अंश को बहुत दूर ले जाऊंगी। अंश, मैं कह रही हूं ना, जो हो गया उसे उसे भूल जाते हैं। सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों साथ में हैं, और हम दोनों साथ रहेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। ने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पिया। पिया प्लीज बताओ मैंने किया क्या था। तुम जानना चाहते हो, तुम खुद ही देख लो।